नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि 2022 आ चुका है तो बैकग्राउंड भी आपको नया दिख रहा होगा और एक क्रीम की कुछ पैकिंग भी आपको नई दिख रही होंगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि देखिए, आपको मैं रियल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है और तभी मैं इन लोगों के जो क्रीमें होते हैं होलसेल प्राइस बता देता हूँ। लेकिन अब से मैं होलसेल प्राइस नहीं बताऊँगा। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे दुकानदार हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं कि आप ऐसे कस्टमर का बता देते हैं। लेकिन मैं आपको वो रेट बता दूंगा कि जिस रेट पे आप परचेज करो, दुकानदार का भी बेनिफिट होगा और आप ज्यादा लूटे नहीं जाओगे। वो मेरा धर्म है और मैं वो बताऊंगा चाहे कोई भी नाराज हो। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, ये सारी जो क्रीमें हैं ये बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, उनको शायद नहीं पता उनके साथ एक घटना घटने वाली है, 99% लोगों के साथ साइड इफेक्ट। देखिए, अगर इस क्रीम को आप यूज करना अचानक से बंद कर दोगे, एक दिन बंद भी करना पड़ जाएगा, क्योंकि रेगुलर यूज करोगे तो आपकी स्किन पतली होगी, स्किन की चमड़ी निकलेगी, चेहरा लाल होगा या फिर पिंपल बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, या फिर आपके जो फेस पे है ना कलर मैच नहीं करेगा। मतलब कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा गोरा हो रखा होगा और दूसरी जगह पे कलर दूसरा होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जब आप देखोगे तो इन क्रीमों को आप बंद करने के विचार बनाओगे। लेकिन जब बंद करोगे तो आप इनको बंद नहीं कर पाओगे ऐसे, जैसे मान लो इसको बंद कर दिया तो चेहरा पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, फिर आप इसको दोबारा यूज करने लगोगे तो इस चक्रव्यूह में फंस जाओगे। तो इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इस चक्रव्यूह, अगर ये वीडियो आप पूरी देख लोगे तो जो चक्रव्यूह में फंस गए हो ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बड़े परेशान हो चुके हो, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे मैं कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ, वो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। सिंपल सी बात, ये जो पहली बात, ये वीडियो शेयर करो। कोई भी ऐसी क्रीम मत यूज करो जिनमें हाइड्रोक्विनोन पाया जाता है, मोमेटासोन फॉर्मेट पाया जाता है। यदि कोई डॉक्टर आप पर्चे पे लिख के दे रहा है तभी इन सब प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए। और ये मैंने, ये स्वयं खुद कंपनियां भी बोलती हैं, मेंशन होता है, देखिए स्किन चैनल में मेंशन करना स्टार्ट कर रखा है, रेड कलर का लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें भी देखिए मेंशन है रेड कलर का, लेकिन ट्विंकल क्रीम में मेंशन नहीं आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा काम ही यही है बताना आपको, और आप मेरे चैनल पर आओ तो जानकारी आपको पूरी देना चाहिए। तो सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो लोग बंद करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, स्किन प्रोटेक्टर परचेज कर लेना। इसकी जो स्मेल है और इसकी जो पैकिंग है बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये मोस्ट सेलिंग फ्लिपकार्ट पे सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये क्रीम है, क्योंकि इस क्रीम को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और बेस्ट फेयरनेस देती है। और फेयरनेस देने के साथ साथ ये क्रीम करती क्या है, आपके फेस पे जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं वो सब खत्म कर देती है। यदि किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट हुए हैं, पिंपल हुए हैं या फिर झाइयाँ हो रखी हैं, इस क्रीम का रात को सोते समय लगाएं। तीन पीस का सेट ही परचेज करना मेरी मानना, तो क्योंकि तीन पीस जब आप यूज कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि और कितने दिन तक इस क्रीम को यूज करना चाहिए और इसके जो फुल रिजल्ट होंगे ना, जो पूरी कैपेसिटी होती है, जो निचोड़ होता है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि आयुर्वेदिक क्रीमें हैं ये थोड़ा सा लेट रिजल्ट देना शुरू करती हैं। फिलहाल आप बहुत सारे लोगों को, 80% लोगों को ये जो क्रीम है 5 से 7 दिनों के अंदर रिजल्ट देना शुरू कर देती है। सो दोस्तों, ये जो स्किन प्रोटेक्टर का यूज इसके साथ किस तरह करना है, आपको जो भी क्रीम आप यूज कर रहे हो उसको लेना है और इसको 3 दिन तक की मिक्स करके लगाना है। उसके बाद जो भी क्रीम आपको बंद करनी है आप बंद कर सकते हो और इस क्रीम का कंटिन्यू यूज कर सकते हो। सो इसको यूज किस तरह करना है, 3 दिन तक की मिक्स करके लगाना है। उसके बाद आप रात को सोते समय अपना फेस को वॉश कर सकते हो। फेस वॉश इसका आता है स्किन प्रोटेक्टर का, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अपना जो सोप रेगुलर जो यूज करते हो फेस वॉश, फिलहाल तो मैं पर्सनल रिकमेंड करूँगा कि जब ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही हो तो सारे जितने भी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हैं, केमिकल वाले जो प्रोडक्ट हैं, वो कोई भी फेस पे ना यूज करो, सादे पानी से अपने चेहरे को धुलो, ठीक है। उसके बाद इस क्रीम का आप अप्लाई करो रात को सोते समय, और सुबह उठ के सादे पानी से चेहरा धुलो और गुलाब जल लगा लो सुबह। बस कोई भी कॉस्मेटिक केमिकल वाले प्रोडक्ट मत यूज करो अपने फेस पे। ये जब क्रीम आप अपने नाइट रूटीन में शामिल करेंगे, और जो मैंने आपको बताया रात को सोते समय ये लगाना है, इसको वॉश करना है सादे पानी से, और उसके बाद आपको गुलाब जल अपने चेहरे पे लगा लेना है। ये प्रक्रिया आप अगर रखोगे ना तो भाई साहब आपका जो चेहरा वो चमचमाएगा। हाँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आप अपना चेहरा नहीं दिखाते हो। तो दोस्तों, मैं अपना एक और मेरा चैनल है उसका मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको सपोर्ट की जरूरत है तो सब्सक्राइब कर देना। उस पर मैं फेस के साथ वीडियो बनाऊंगा और उस पर जो वीडियो पड़ी हुई है वो मेरे फेस के साथ ही है, तो आप लोग मेरा चेहरा देख सकते हो कि मेरा चेहरा कितना फेयर है, और आप ही देख के बताना, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा। सो ये छोटी सी वीडियो थी, फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है मैंने। कोई भी अगर चीज़ें छूट गई तो प्लीज़ मैं कमेंट कर देना, मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना। सब्सक्राइब करना या ना करना ये आपको पर डिपेंड करता है, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना, प्लीज़ शेयर करना, वीडियो लाइक करना, ताकि अगर आप लाइक करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगी। यदि आपको साइड इफेक्ट हुए तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि मैं सही बोल रहा हूँ, अगर आप
ये टाइप करोगे तो लोगों को लग जाएगा, पता आ लगेगा कि हाँ मेरी भी बातें सही हैं। वरना जब उनके साथ ये जब कांड घट जाएगा तब उन्हें ऐसे जो नहीं मैं ये जो लड़का था ये सही बोल रहा था। सो बहुत बातें हो गई, मिलते हैं स्टूडियो में, तो बाय, टेक केयर। कोई भी समस्या हो प्लीज़ कमेंट करना, मैं सब पे वीडियो बनाऊंगा और सब पे रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं स्टूडियो में, तो बाय, टेक केयर।